यह जादू नहीं है, यह साइंस एक्सपेरिमेंट है। विज्ञान कितना शक्तिशाली है, आखिरी वाला आपको हिलाकर रख देगा। अंडे पर पेंट स्प्रे करें और अंडा लोहे के अंडे जितना सख्त हो जाएगा। काले कागज को वाटरप्रूफ बैग में डालकर पानी में रखें, कार्ड का रंग गायब हो जाएगा। दूध में भिगोए हुए कोको पाउडर को टूथपिक से हल्के से पोंछा गया और पानी नहीं निकला। माचिस को मेज के किनारे पर दबाया, पानी की एक बोतल लटका दी, माचिस को एक बड़े त्रिकोण में व्यवस्थित किया और भारी वस्तु को हटा दिया, लेकिन पानी नहीं गिरा। साबुन की एक परत बनाएं और उस पर एक बंद कुंडल रखें। जब आप इसे हल्के से दबाएंगे तो कुंडल तुरंत एक खोखले घेरे में बदल जाएगा। एक कप में पानी की बोतल को उल्टा करके रखें। जब पानी की सतह बोतल को छुएगी तो लार बाहर नहीं आएगी। रेत पर वाटरप्रूफिंग एजेंट स्प्रे करें, कुछ रंगीन पदार्थ गिराएं, समान रूप से हिलाएं और आपके बच्चे बिना भीगे हुए मजे करेंगे। कागज को गीले कागज में भिगोए, फिर सूखे कागज से ढक दें, पेंसिल से रहस्य लिखें, फिर सुखाए, फिर पानी में भिगोए। शब्दहीन पुस्तक का रहस्य सामने आ जाएगा। एक कप पानी डालें, लोहे का बुरादा डालें और समान रूप से हिलाएं। एक चुंबक लें, इसे लोहे के बुरादे के पास रखें और कांच और चुंबक के माध्यम से पीकेबू खेलें। डायपर में मौजूद अवशोषक राल को बाहर निकालें और इसे पानी के साथ मिलाएं। यह तेजी से फैलेगा और आपके बच्चे को लगेगा मजेदार कृत्रिम बर्फ। माचिस की तीली को बाहर निकालें, इसे पानी से भरी बोतल में डालें, बोतल का ढक्कन कसें और बोतल के शरीर को दबाकर माचिस की तीली को नियंत्रित करें। एक पेपर क्लिप को पेंसिल के चारों ओर किसी भी आकार में लपेटें, बस इसे गर्म पानी में डालें और यह तुरंत अपने मूल आकार में वापस आ जाएगा। यह मेमोरी मेटल का आकर्षण है। माचिस और फायर पेपर को किनारे से फाड़ दें, जलने के बाद एक भूरा तेल का दाग रह जाएगा। इसे अपनी उंगलियों पर लगाएं और धीरे धीरे रगड़कर सफेद धुआं पैदा करें। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, सिक्कों को टेबल के किनारे पर एक दूसरे के ऊपर क्रॉसवाइज रखें और धीरे धीरे अपने हाथों से सिक्कों को धक्का दें। सिक्के नीचे नहीं गिरेंगे, यह दुष्ट सिक्का धकेलने वाले का सिद्धांत है। पानी से भरे गुब्बारे पर टेप के कुछ टुकड़े रखें, बीच में एक छोटा सा छेद करने के लिए बांस की छड़ी का उपयोग करें और स्प्रे किया हुआ पानी दिखाई देगा। यह लामिना प्रवाह की दिलचस्प घटना है। रूलर को ठंडी जगह पर रखें और यह तेजी से ऊपर और नीचे कंपन करेगा। यदि आप इसे तेज रोशनी में रखेंगे और इसे हिलाएंगे तो यह एक जादुई जेली प्रभाव में बदल जाएगा। गिलास में कागज का एक टुकड़ा डालें, फिर जल्दी से कप को पानी में उल्टा करें और गिलास को बाहर निकालने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यह वायुमंडलीय दबाव है, यदि आप इसे अपने हाथों से छूते हैं। बीच में दो कप एक गुब्बारा फुलाएं। कप को गुब्बारे द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। वीडियो में दिखने के लिए च्यूइंग गम में रैपिंग पेपर को काटें, इसे बैटरी के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों के साथ संरेखित करें और आप एक लाइटर बनाएं। बोतल के चारों ओर कुछ सूती धागा लपेटें, सूती धागे पर शराब छिड़के, सूती धागे को आग से जलाएं, इसके बुझने का इंतजार करें और जल्दी से इसे ठंडे पानी में फेंक दें। कांच की बोतल को आसानी से काट सकते हैं। बोतल में थोड़ी मात्रा में पानी छोड़ें और बोतल के ढक्कन को कस लें। जब बोतल का ढक्कन खोला जाता है तो हवा के दबाव की आंतरिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उच्च दबाव तुरंत बंद हो जाता है। अंडे की सतह पर हमें सफेद धुंध दिखाई देती है। रबर पेंट की परत लगाने के बाद अंडा कठोर लोहे के अंडे में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? कटोरे में रेत के तीन भाग, स्टार्च के दो भाग और साबुन के पानी का एक भाग डालें और फिर अपना पसंदीदा पेंट डालें। एक सुरक्षित, गैर विषाक्त और मजेदार रेत तैयार है। एक पुआल और एक पेपर कप को एक साथ बांधें, एक छोर को एक सील बंद बैग में डालें और दूसरे छोर को हेयर ड्रायर पर रखें और आपके पास एक सक्शन सुई होगी। कटोरे में गोंद, पानी, स्टार्च और कार्बन पाउडर का एक हिस्सा जोड़ें और इसे अच्छी तरह से हिलाएं। मैंने एक जादुई और मजेदार चुंबकीय तरल पदार्थ बनाया। कोक कैन के मुंह को चॉपस्टिक से कुछ बार रगड़ा और कोक अपने आप खुल गया। एक दूसरे से सटी हुई माचिस जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करें। माचिस एक प्रेमी जोड़े की तरह है जो एक दूसरे से कसकर चिपके हुए हैं और अलग होने को तैयार नहीं है। दो बोतलें तैयार करें। भूकंप के आने का अनुकरण करने के लिए उनमें से एक पर एक भारी वस्तु लटकाएं। यह पवन डैम्पर्स का सिद्धांत है जो गगनचुंबी इमारतों को खड़ा रख सकता है। टॉयलेट पेपर पर पाउडर डाल सकता है और पुराने जूते का उपयोग कर सकता है। कुछ घर्षण और उड़ने के बाद टॉयलेट पेपर अनायास ही जल गया। एक कप जो मूल रूप से खटखटाने से टूट गया था, पानी में डालने पर एकदम छोटा सा छेद करने में सक्षम हो गया। यह पानी की बफरिंग शक्ति है। साफ पानी में अंडे नीचे तक डूब जाएंगे, लेकिन खारे पानी में रखने पर अंडे असल में तैरने लगेंगे। यही है अमृत सागर में तैरने का रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।